हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, रितु राठी व्लॉग्स में। और आज है भाई संडे और बच चुकी है छुट्टी। और आज अभी मैंने सारा काम किया है और काम करने के बाद आज मैं जा रही हूँ भाई कहीं। और क्योंकि अभी जैसे कि आप सबको पता है फेस्टिवल आने वाले हैं, करवा चौथ आने वाला है, तो जहाँ भी जा रही हूँ वो करवा चौथ के लिए स्पेशल। तो व्लॉग में बने रहना और देखना कहाँ जा रही हूँ और एक नई चीज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अभी सबसे पहले मैं होती हूँ रेडी, नहा तो चुकी हूँ और सारा काम भी हो चुका है और उसके बाद चलते हैं। तो अभी मैं हो चुकी हूँ अभी रेडी और अभी निकलते हैं। पिंक कलर का सूट पहना है मैंने, तो चलते हैं अभी। ठीक है, मैं आ जाऊँ। मान लो ट्री है, देखो ओंदी आ जाएंगी, कितनी देर लगेगी। चल चुके हैं अब। और ये देखो मेरी बेस्ट फ्रेंड रितु, दो रितु रितु मिल चुकी है और बहुत टाइम के बाद आई थी एक दिन घर मिलने, बस वो भी थोड़ी देर के लिए। तो काफ़ी टाइम बाद मिले हैं भाई अच्छे से। और हम कहाँ आए हैं रितु बताएगी? स्टूडियो, स्टूडियो में आए, स्टूडियो 77। और ये है रोहतक में ही। और अभी हम लोकेशन बहुत अच्छी है, लोकेशन बहुत ही अच्छी है वो मैं आपको सारा आज दिखा दूंगी। और जब सर्विस लेंगे तो उसके बाद मैं आपके साथ रिव्यू भी शेयर करेंगे हम। रितु भी करवाने वाली है, मैं भी करवाने वाली हूँ। वे करवा चौथ के लिए चमकने वाले हैं आज। और क्या क्या करवाएंगे? तो चमकती है ये रितु भी कम नहीं है भाई, और दोनों से ही नहीं हम तो दो बहन, बस ये पतली है मैं मोटी। हाँ, और ये बड़े मैया, ये छोटे मैया हैं, ठीक है हमारे। तो अभी मैं आपको पूरी लोकेशन दिखाऊंगी। तो अभी करवाएंगे भाई, अभी जा रही है रितु फेशियल के लिए, फिर करवाऊंगी मैं। और ये देख सकते हो, मैं तब तक आपको सारी लोकेशन दिखा देती हूँ। हैं तो अभी चलते हैं ऊपर। हाँ जी, हाँ जी, बात। तो अभी आई है कॉफ़ी रितु और मैं लेते हैं, और वो एक और आ चुकी है। कॉफी लो। तो भैया अभी आई है दो और हमारी इंस्टाग्राम क्वीन, और ये भी लेंगे अभी सर्विस। और मैं और रितु भी बैठे ही हैं। तो भी अभी आ चुके हैं अंदर और अभी करेंगे चेंज और उसके बाद वैक्स फेशियल करवाऊंगी मैं कुछ दिन बाद, क्योंकि कल मुझे हाइड्रा फेशियल करवाना है। तो ये फेशियल मैं बाद में करवाऊंगी, तो अभी आज करवाऊंगी मैं हेयर सपा और वैक्स करवाती हूँ, उसके बाद मैं आपको देती हूँ इसका रिव्यू। मुझे तो अभी है ना, पहले मैं करवा रही हूँ हेयर सपा, तो इससे पहले होएगा वॉश, हेयर वॉश। तो भैया करवाने वाली हूँ हेयर सपा और सबसे पहले बाल वॉश होंगे। अभी यहाँ पे हो गया था मेरा स्टार्ट हेयर सपा, पहले क्रीम लगाई थी और उसके बाद कर रहे हैं मसाज। और मसाज इतनी अच्छी करी सच में, मुझे तो नींद आने लगी थी। और मसाज में फुल टाइम देते हैं भाई, ये नहीं है कि भाई जल्दी जल्दी करते हैं, पूरा एक घंटा लगा दिया था और इतना अच्छा लगा मुझे सच में, काफ़ी टाइम दिया और रिलैक्स हो गए थे। और ये आप देख सकते हैं, फिर मैंने मंगवा लिया भाई जूस, मुझे लगी थी भूख और फिर अपना जूस पीते हुए मैं अपना आनंद ले रही हूँ भाई भरपूर मसाज का। तो ये आप देख ही सकते हैं, फुल टाइम दिया भैया ने और स्टाफ भी बहुत ही अच्छा था। उसके बाद दी भाई स्टीम, तो भैया उसके बाद हो रहा है अभी हेयर वॉश स्टीम के बाद, और उसके बाद किया ड्राई आप देख सकते हैं बालों में। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कैसे हुए मेरे बाल। तो अभी ड्राई कर रहे थे और ड्राई करने के बाद
इतने अच्छे बाल हो गए थे मेरे सूखने के बाद। मैंने देखा, ये आप देख सकते हैं, आगे मैं आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए, पूरे बाल ड्राई करने के बाद कॉम किए और उसके बाद प्रेसिंग की, इतने सिल्की स्मूदी बाल हो गए थे, बहुत ही अच्छे। और आपको इनके व्लॉग में भी देखने को मिल जाएगा, स्टूडियो 99 यूनिसेक्स सलून जिसमें मैं गई थी। और ये देख सकते हैं आप, बाद में मेरे बाल आपको दिखा रही हूँ कितने अच्छे। और जो मेरी फ्रेंड आई हुई थी साथ में रोजी, आप देख सकते हैं उन्होंने हाईलाइट करवाए थे, उनके भी बाल बहुत ही अच्छे। हम दोनों पूछ रहे थे एक दूसरे से कि कैसे लग रहे हैं हमारे बाल, तो वो मेरी तारीफ़ कर रही थी, मैं उसकी तारीफ़ कर रही थी। तो सच में बहुत ही अच्छे लगे, दोनों को बहुत ही पसंद आया। और मेरी फ्रेंड जो, तो भी अभी हो चुका है हेयर सपा, देखिए बाल कितने अच्छे हो गए हैं, सच में बहुत ही अच्छा किया है और बहुत ही अच्छी सर्विस थी। तो अगर आपको करवाना है तो एक बार ज़रूर विजिट करना। तो अभी मैं यहाँ से निकलती हूँ, भी हेयर सपा की सीटिंग ली है और बाकी की सीटिंग मैं बाद में लूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी इसका रिव्यू। और देखो, मैं आई थी स्टूडियो 99 यूनिसेक्स सलून में, जो कि रोहतक में है, मॉडल टाउन में। तो बहुत ही अच्छी लगी सर्विस, स्टाफ भी बहुत ही अच्छा था, तो आप ज़रूर विज़िट करना। अभी हेयर सपा करवाया है, फेशियल भी करवाना है, वैक्स भी सब करवाना है, लेकिन मैं बाद में आऊँगी, अभी मुझे कहीं जाना है। और कल मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि वो मुझे कल करवानी है, तो इसलिए आज मैं और चीज़ें नहीं करवा पाई, वो मैं कल आपको बता दूंगी। तो भाई, करवा चौथ के लिए बाल बहुत ही अच्छे हो गए हैं, तो एक बार आप ज़रूर विजिट करना यहाँ पे। थैंक यू। तो भाई, अब चलते हैं घर। बाय रितु। बाय। अभी रितु का रहता है, करवाएगी, और ये कह रही हूँ मेरे से पहले जा रही है। कल मिलते हैं भाई, कल फिर मिलेगी रितु आपको, और कल और आपके साथ एक शेयर करेंगे नई चीज़। तो अभी चलते हैं, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। बाय रितिका, जा रही हूँ। बाय रोजी। बाय। तो रोजी ने हाईलाइट करवाई है भाई, देखो कितनी सुंदर लग रही हैं दोनों कुड़ियाँ। इसने कुछ नहीं करवाया, ये कल करवाई, इसका कल होएगा। तो हाँ, कल ये सबसे सुंदर बनेगी। हाँ, जाते जाते चाय बनवाती है, चाय ले रही हैं और सिगारी कॉफ़ी ले रही हूँ और चाय पी के निकलती हूँ, बहुत लेट हो गया है। अभी आ लिए घर। आए माँ, बताओ मेरे बाल किसे ला गया आपने, हैं? देखिए हाथ ला के, हैं? मुलायम हो रहे। तो भाई, माँ ने भी बढ़िया लगे, ये देखो सही हो रहे हैं। और बाकी और जो कराएंगे वो कल आपके साथ शेयर करूँगी, तो बहुत ही अच्छा है। तो एक बार आप भी ज़रूर जाना है वर्मा। तो भाई, मैं लागू हूँ काम पे। तो भाई, कचरी खिंडा दी रही उन्हें, तो ये भाई लागू काम। तो भाई, कर लिए चेंज कपड़े और बना लिया, आटा बनाई है, दाल बनाई है, और अभी कर रही हूँ भाई अपनी, बना रही हूँ रोटी, जब तक रज्जू भी आ जाएगी और जोत मैंने लगा ली है, क्योंकि आज हो गया है मेरा लेट खाने में। क्या करें, कहीं भी जाते हैं ना तो सारे काम में लेट हो ही जाती हूँ मैं हमेशा। तो अभी बना लेती हूँ फटाफट खाना, बना रही है रोटी और ये खाना लग रही है, माना खा ले रही है, जो आ ली है मेरी मेरी मरीज भी नहीं है रोटी, कह दे दी आप रोज लेट कर दो हूँ, तो फटाफट बनाऊँ और फिर खाऊँ। किसी बना रही थी दाल है, खा ली माने का रोटी, बालक खाने लग रही हूँ, उसके पापा भी आए नहीं हैं। तो भी खा लेते हैं, खाना बन चुकी है, अपनी दाल रोटी और जो दो रही है भाई बर्तन। अरे आ गए जी के पापा भी, आ जाओ। तो भी खा लेते हैं। तो भी सारे काम हो गए हैं, बैठे मेरी माँ। और आप सबको व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना, व्लॉग में बने रहना, अभी डेली व्लॉग आएंगे। और आज सलून में गई थी भाई, बहुत बढ़िया बाल लागे, माना है माँ बाल सही लागे, तो 30 साल लगा था जनू, विदेश में जा रही हूँ, ऑस्ट्रेलिया गई थी ना वहाँ करवाया था, इतना बढ़िया है भाई, कती नू बढ़िया सर्विस देवा है, कती जरूर जाइयो जिसने भी करवाना है। और बाकी और कुछ करवाऊँगी तो आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि भी कैसा है, लेकिन बालों का तो बहुत ही अच्छा था। और अब इस व्लॉग को करती हूँ ये पेंड, आई होप आप सबको पसंद आया, पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिसने भी अभी तक नहीं किए हैं। तो सभी को राधे राधे।